वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी आज से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं जो होगी हमारी नेट और गेट को मद्देनजर रखते हुए कि आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत यहाँ पर फायदेमंद होने वाली। तो सबसे पहले हम इसके बेस से स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, एलिवेशन क्या है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए मैं बहुत अच्छी एक डेफिनेशन लाया हूँ आपको, आप बुक्स में पढ़ेंगे, इंटरनेट पे मिलेंगे तो बहुत सारी डेफिनेशंस आपको वहाँ पर मिल जाएगी, बट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ईजी वे में। तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि भाई साहब एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप डिसिप्लिन तरह से एक कॉस्ट को के अंदर और टाइम को मैनेज करते हुए आपके सॉफ्टवेयर को यहाँ पर आप डेवलप कर सकते हैं। साथ ही में एक अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, ठीक है। तो ये होती है हमारी इसकी डेफिनेशन जो हमारी नॉर्मल सी लैंग्वेज में होती है। अब इसके बात करते हैं एलिवेशन के बारे में। तो 1945 से 1965 के बीच में ये ऑर्गिन था, मतलब भाई साहब उस टाइम सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो गए थे, मतलब नॉर्मल सी हमारे सॉफ्टवेयर बन रहे थे, यूज़ हो रहे थे, उसमें बग आ रहा है, टाइम कितना हो रहा है एक सॉफ्टवेयर को बनाने में, उसमें बग्स आ रही है, कॉस्ट कितनी लग रही है, इससे कोई लेना देना था, बस बन रहा है, ठीक है, चल रहा है काम, मतलब उस पर कोई एनालिसिस का काम उस टाइम नहीं था। उसके बाद आता है 1965 से 1985 के बीच में क्राइसिस का एरिया, कि भाई सॉफ्टवेयर बन रहे तो उनकी कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसमें बग्स आ रही है, बहुत सी दिक्कतें आने लगी। तो ये एरिया था हमारा क्राइसिस का, ठीक है। उसी के बाद 1990 से 2000 का टाइम आया इंटरनेट का, जब लोग इंटरनेट पर शिफ्ट होने लगे तब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा, कि यार भाई इसमें बग्स का ध्यान रखा जाए, इसकी कॉस्ट इतनी हो जो कि सारे लोग इफेक्ट सभी लोगों के बजट में आ सके, ये सारी चीज़ों को इसमें ध्यान रखते गया। फिर उसके बाद 2000 से लेके 2010 तक आ गया हमारा लाइटवेट सॉफ्टवेयर, जो कि हम मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, ये हमारे डेवलपमेंट में हम मान लीजिए कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, सारी लाइटवेट एप्लीकेशन में आ गई। उसी के बाद हम बात करते हैं 2010 से लेके अभी जो टिल तक हमारा चल रहा है, अभी हमारा टाइम चल रहा है एआई का, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का, ये सारी चीज़ें हमारी चल रही है। तो इन सब में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एलिवेशन का बहुत यूज़ है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करके ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर है ये बिल्कुल ही थ्योरेटिकल पेपर है, यहाँ पर आपको कोई कोड नहीं करना है, तो इसे हम पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं, रोज डे बाय डे हम अच्छी अच्छी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही में कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में।